मैं प्रदीप कुमार जैन, मॉडर्न स्कूल बाराकुंडा रोड। मैं कक्षा 9 में खड़ा हूँ, जिसको हम लोग S4 कहते हैं अपने यहाँ। और आज हम श्रवण कौशल विकास, जिसको हम लोग असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स अंग्रेजी में कहते हैं, स्पीकिंग नहीं है ये, सिर्फ लिसनिंग स्किल्स, इसको कैसे किया जाता है आज ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस क्लास के हर बच्चे को आप उसे करता हुआ देखेंगे। सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड पर दिखाएं आप, यहाँ पर हमारे पास ऑडियोज हैं। ऑडियोज का मतलब होता है श्रवण, जिसे सुना जाता है, ऐसे पीसेज यहाँ पर हैं, वो चलाए जाएंगे। बच्चा पहले उनको सुनेगा, सुन करके हम उन्हें विराम देंगे। और मेरे पास ये वर्कशीट्स हैं, जो पहले मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इसपे जो प्रश्न लिखे हैं, इन्हीं का अनुच्छेद का वाचन ऑडियो क्लिप पर है। पहले मैं इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ऑडियो चलाया जाएगा। ऑडियो ये पहली बार सुनेंगे, एक बार ऑडियो को रोकेंगे, फिर ये प्रश्न पढ़ेंगे, फिर मैं दोबारा ऑडियो चलाऊंगा और फिर इन प्रश्नों को पढ़कर वो उत्तर देंगे। अब इस बीच में जो जो समस्याएं आएंगी वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अब आप और इसको वीडियो को चलने दीजिएगा। अब आगे देखिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप एक एक बच्चे को दे दें, या जो बच्चा आगे बैठा हुआ है उसे कुछ हम लोग दे दें, ये पास ऑन कर दें। यहाँ पर हम लोग नैन्सी को दे रहे हैं, नैन्सी पास ऑन। यहाँ हम लोग आपको दे रहे हैं पास ऑन। अब ये बच्चे देखें, ये जो वर्कशीट है, आप मेरे साथ चलते रहिए, ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट सबको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। एक एक बच्चे के पास ये वर्कशीट पहुंच रही है। बच्चों को मैंने कहा आप इसमें अपना नाम, क्लास, आज की तिथि, दिनांक, कक्षा, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आप लिखें। मनीष, एक बार पूरी क्लास को धीरे धीरे रोटेट करते हुए आप दिखा दीजिए बच्चे जिस तरह काम कर रहे हैं। बच्चों को वर्कशीट मिल चुकी है, इस समय वो अपना नाम ऊपर लिख रहे हैं, अपना नाम ऊपर लिख रहे हैं। जो अतिरिक्त हैं वो आपको वापस दे दी जाएंगी। एक बार आप इन प्रश्नों को पढ़ लें ध्यान से। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। मनीष यहां देखिए, इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हैं। 9 एक बड़ी अजीब सी संख्या इसलिए है कि एक जगह इनको 2 आंसर लिखने हैं, तो यानी पूरा प्रश्न पत्र हमारा 10 नंबर का होगा। मैं चाहूंगा कि आप वहां पर बोर्ड पर दिखा दें, थोड़ा पास ले जाकर के शुरू से दिखा दें एक बार। अभी जो ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये देखिए, ये बख्शीट और नीचे लीजिए थोड़ा सा ना, बख्शीट ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लीजिए, ये देखिए श्रवण कौशल कार्य प्रपत्र बख्शीट 1। हमने टाइम इसमें 1 घंटा रखा है, लेकिन ये आधे घंटे में समाप्त हो जाता है। फिर भी अगर आप चाहें अपने हिसाब से अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इसको आप ज्यादा जाने दें। पूर्णांक 10 है, ये इंस्ट्रक्शन है। अभी आपके द्वारा सुने गए लेख पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग 2 बार सुनाई जाएगी। ध्यान से सुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रिकॉर्डिंग का लिखित रूप आप पिछले प्रश्न पर पढ़ चुके हैं, जो कि हम इनको नहीं दे रहे हैं, याद रखिए। अब थोड़ा ऊपर लीजिए रवि, अब ये प्रश्न है, नीचे तक दिखा दीजिए 9 प्रश्न, नीचे तक दिखाइए। ये लास्ट प्रश्न है, इनके एक जगह 2 आंसर आने हैं, इसलिए इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न और 10 नंबर का ये रखा गया है। आप चाहें तो अपनी तरफ से कोई और प्रश्न इसमें नीचे जोड़ सकते हैं। अब एक बार कक्षा को दिखाई देंगे, प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं? हाँ या ना? Yes, sir. रवि आप ऑडियो चलाइए, अब आप ऑडियो को इसमें रिकॉर्ड करिए, ये ऑडियो जोर से चलाइए। आप एक लेख के कुछ अंश सुनेंगे, इसी अंश पर आधारित वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्मृति में बैठा लें। आपको रिकॉर्डिंग 2 बार सुनाई जाएगी, सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम सभी संगीत का लुत्फ उठाते हैं, पर कोई गंभीर काम करते समय इससे बचना चाहिए। हमारे दिमाग की बनावट ऐसी है कि किसी भी काम में ध्यान लगाना आसान नहीं होता। बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा हो फिर तो ध्यान भटकना ही भटकना है। अनुसंधानों के अनुसार संगीत से आपका ध्यान बढ़ सकता है। यदि आप संगीत का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो काम के बाद अलग से मजा लीजिए। आधे घंटे का आपकी पसंद का संगीत आपको
ज्यादा सुकून देगा, बजाय इसके कि आप दिन भर पार्श्व संगीत सुनते रहें। इसका एक और पहलू है, यदि आप अपनी सवाल हल करते समय संगीत चलते रहना पसंद करते हैं तो मनोवैज्ञानिक इसे कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। ऐसे में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी दे पाते हैं जब पार्श्व संगीत बज रहा हो। पर इसमें भी एक पेच है, परीक्षा भवन में तो ऐसी कोई संगीत लहरें चलने ही नहीं होगी, इसके विपरीत वहाँ पर पूर्ण शांति होगी। बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको जो जरूरी स्पंदन यानी संगीत की स्वर लहरी चाहिए वहाँ वह नदारद होगी, फलस्वरूप आपके प्रदर्शन में कमी आ जाएगी, चाहे वह कितनी ही थोड़ी सी क्यों ना हो। अब आप इसको रोक दीजिए, इसको चलने दीजिएगा, ऑडियो को रोक दीजिए। आपने देखा हमने एक बार इनको ऑडियो सुनाया और ऑडियो सुनने के बाद इनको दो मिनट फिर पुनः दिए जाएं कि जो उन्होंने सुना है और जो लिखा है उसमें तालमेल बिठा सके, यानी कि उनको क्या स्मरण रहा, क्या स्मृत रहा, क्या याद रहा, उसके आधार पर अगर बच्चे कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहें तो उनको लिखने दिया जाए। अब हम देखेंगे कि सुनने के बाद जो बच्चे लिखते हैं। एक बार आप ऑडियो ले लीजिए और वीडियो ले लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं जो आपने सुना, मैं एक बार आपको फिर सुनाऊंगा। आपको जो जो चीजें याद हैं आप लिखते हैं, जो इस वीडियो को सुन चुके हैं और सुनकर के बच्चों को जितना याद था वो लिख चुके हैं। अब इनका आग्रह आया है दोबारा कि सर इसको एक बार और सुनाएंगे। हम इस ऑडियो को एक बार फिर आपको सुनाने चाह रहे हैं, सुनाइए। एक लीक के कुछ अंश सुनेंगे। इसी अंश पर आधारित वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर स्मृति में बैठा लें। आपको रिकॉर्डिंग दो बार सुनाई जाएगी, सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम सभी संगीत का लुत्फ उठाते हैं पर कोई गंभीर काम करते समय इससे बचना चाहिए। हमारे दिमाग की बनावट ऐसी है कि किसी भी काम में ध्यान लगाना आसान नहीं होता। बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा हो फिर तो ध्यान भटकना ही भटकना है। अनुसंधानों के अनुसार संगीत से आपका ध्यान पट सकता है। यदि आप संगीत का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो काम के बाद अलग से मसा लीजिए। आधे घंटे का आपकी पसंद का संगीत आपको ज्यादा सुकून देगा, बजाय इसके कि आप दिन भर पार्श्व संगीत सुनते रहें। इसका एक और पहलू है, यदि आप अपने सवाल हल करते समय संगीत चलते रहना पसंद करते हैं तो मनोवैज्ञानिक इसे कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। ऐसे में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी दे पाते हैं जब पार्श्व संगीत बज रहा हो। पर इसमें भी एक पेच है, परीक्षा भवन में तो ऐसी कोई संगीत लहरें चलने ही नहीं होगी, इसके विपरीत वहाँ पर पूर्ण शांति होगी। बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको जो जरूरी स्पंदन यानी संगीत की स्वर लहरी चाहिए वहाँ वह नदारद होगी, फलस्वरूप आपके प्रदर्शन में कमी आ जाएगी, चाहे वह कितनी ही थोड़ी सी क्यों ना हो। मनीष अब आगे देखेंगे। बच्चों ने इसकी बात सुनकर थे, अब ये वर्कशीट भी आप इनको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट दे सकते हैं, उसके बाद आप इससे ये वर्कशीट ले लेंगे। एक पहली क्लास में जहां मैंने कराया था, ये आप एक लिस्ट देख रहे हैं जिन जिन बच्चों ने ये दिया है उसके सामने साइन ले लीजिए ताकि हमें पता लग जाए कि किस बच्चे ने नहीं दिया है। ऊपर आप लिख लीजिए कि हम लोग ऐसे या लिसनिंग स्किल हमने लिया है, इस क्लास में लिया है, इतने बच्चों ने दिया है, उसको टैग कर लें। आप जैसे मैंने ये टैग किया है, आप देख रहे हैं सभी बच्चों का ये किया हुआ है किसी दूसरे सेक्शन का, और इसको चेक करके आप बाद में एक दो दिन बाद इंटरनल असेसमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि जिन बच्चों ने नहीं दिया है इसका क्या करें। देखिए ये एक हमारी प्रशासनिक ये एक समस्या आ जाती है, तो जिन बच्चों ने नहीं दिया है ऐसे और कक्षाओं में भी होंगे, उनको एक अलग डेट दी जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल चल रहे होते हैं कुछ और जिसमें सभी बच्चे आ रहे होते हैं, तो इनका अगर कोई ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का अगर अलग बना हुआ है या स्कूल का हमारा कोई ग्रुप है तो हम उसके अंदर ये डाल सकते हैं कि इसका दूसरा टेस्ट उस दिन होगा जिस दिन कोई डेट आप अपने, जैसे आज 5 तारीख है तो मैं जो इनको अगली डेट दे रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन भी है, तो मैं इनको अगली डेट दे रहा हूँ 10 तारीख या 11 तारीख या 12 तारीख, कि जो बच्चे नहीं आए हैं
उन सबको एक क्लास में बिठा करके इसको ले लिया जाए, सभी सेक्शन को एक साथ बिठा लें और आप उनको परीक्षित या उनकी परीक्षा आप ले लें। ये इसका तरीका है। मुझे लगता है कि मैं बहुत तरीके से आपको ये सारी चीजें बता पाया हूँ। फिर भी कुछ प्रश्न होंगे, कुछ समस्याएं स्कूल में आपकी होंगी, उनको समाधान आप ही को करना है, लेकिन कराने का यही तरीका है। और इसको आप 40-45 मिनट एक ही पीरियड में करवा सकते हैं। एक प्रश्न आपका और आया था व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझसे पूछा गया था कि सर इसको कितनी बार कराना है। मैं पुनश्च कहूंगा कि ये भी समस्या आपके विद्यालय की है, चाहे तो दो बार करा सकते हैं, सत्र में हाफ ईयरली से पहले अर्धवार्षिक परीक्षा और उसके बाद यानी फाइनल से पहले। तो साल में अगर ये दो बार हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कक्षा छह से लेकर बारहवीं तक इसको करवाया जा सकता है। ये सारे जितने आप ऑडियो और वीडियो ये देख रहे हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे इसके लिंक आपको भेजा गया है। मैंने आपको बताया था किताबशाला के पास ये उपलब्ध है, उनसे ये लिया जा सकता है और अपने विद्यालय में आप इसमें अलग अलग कम से कम 10 ऑडियो और 10 इसके अंदर वर्कशीट्स हैं जो अलग अलग क्लास में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसा कि मैंने उन्हीं से मैंने मंगवाया है और मैं ये अपनी कक्षा के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। आप उन्हीं से मंगवा सकते हैं, नंबर आपके पास होगा, आपको भेजा जा चुका है। फिर भी इसको देखने के बाद अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मैं समझाने में आपको थोड़ा सा कामयाब हुआ होगा। नमस्कार।